नमस्कार, मैं हूं अक्षरानंद और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज डॉट इन। 24 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में सीपीआई द्वारा भाजपा हराओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। इसके लिए आमंत्रित करने हेतु कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि एनडीए गठबंधन को छोड़कर जो तमाम दल हैं वो सभी आमंत्रित हैं। साथ ही साथ गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी इस रैली में शिरकत करेंगे। तेजस्वी यादव को भी आमंत्रण भेजा गया है। क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार, एक बार आप खुद सुन लीजिए। 2 लाख लोग आए, उसको बढ़ा करके 4 लाख कहा जाए, उनको सॉफ्ट करके जो है रैली दिखाई जाए, ये हमारी कोशिश नहीं है। लेकिन हमारी उम्मीद है कि आज तक जितनी भी रैली विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा की गई उससे ज्यादा बड़ी ये रैली होगी, क्योंकि इस रैली का दायरा बहुत विस्तृत है। ये एक पार्टी की रैली जरूर है, लेकिन इसमें विभिन्न पार्टी के लोग शिरकत कर रहे हैं और जो जनता के मुद्दे हैं, ये कोई अपना राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए ये उद्देश्य जब नहीं है, और जब जनता को ये महसूस होता है कि हमारी भावनाएं प्रकट की जा रही है, तो वो अपने प्रयास से, अपनी कोशिश से भारी संख्या में वो जुटते हैं, ऐसा अनुभव रहा है। जो सभाएं इस रैली की तैयारी के संबंध में की गई हैं वहाँ पे अप्रत्याशित भीड़ जुटी है। अब हम ये भी समझते हैं कि जनता के पास संसाधनों का अभाव है, हो सकता है कि इस कमी के चलते कुछ कम लोग टर्न आउट हो सकें या शिरकत कर सकें, लेकिन आसपास के इलाके से, ट्रेन से, बस से लोगों के आने की खबर है। और हमारा मानना है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जब तक ये हो नहीं जाए, इस संबंध में मैं कोई झूठा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। देखिए, तेजस्वी जी को भी आमंत्रण पार्टी के लोगों ने दिया है और उन्होंने अपनी सहमति जताई है कि वो आएंगे, ठीक है। अब 25 तारीख ज्यादा दिन तो है नहीं, मैंने हम ऐसा थोड़ी है मोदी जी की तरह कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो स्थिति 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो पटना में होंगे तो वो भी आएंगे, अगर वो नहीं होंगे तो उनके कोई प्रतिनिधि जरूर आएंगे। दो ही चेहरे नहीं है, और भी युवा चेहरा जो है उसमें शामिल होंगे। गुजरात के युवा विधायक जिग्नेश मेवानी भी इस रैली में शिरकत कर रहे हैं, और भी युवा चेहरा सभी पार्टियों को जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, राजक गठबंधन, उसको छोड़ करके सभी पार्टियों को तो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां भी एकता बना रही हैं ताकि 2019 के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का डटकर सामना किया जा सके। पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर एक बड़ी रैली होने वाली है, देखना होगा कि कितना जन समर्थन मिलता है। कन्हैया कुमार तो कह रहे हैं कि जब बात जनता की परेशानियों की होगी तो जनता जरूर बाहर आएगी। बहरहाल, बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।